हाय नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेज पटना, और आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हुए हैं। कंजक्शन का एक हिस्सा है जिसका नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आपका CHSL हो, CGL हो, MTS हो, बैंकिंग या कोई भी डिफेंस, चाहे CPO, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, मेरे भाई ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो मात्र 2 मिनट आप हमारे साथ कमर कसिए, बाकी अगला छलांग लगाने के लिए हम तैयार है आपके साथ। चलिए देखते हैं मेरे भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना केवल बल्कि। इसका खासियत है ना मेरे दोस्त कि ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको दिख रहा है, ये जब भी आता है तो सेम पार्ट के पहले आता है। किसके पहले? सेम पार्ट के पहले। जैसे कि ध्यान देंगे, अगर ये बट ऑल्सो सब्जेक्ट के पहले आया, किसके पहले आया? सब्जेक्ट के पहले आया, तो ये नॉट ओनली भी सब्जेक्ट के पहले आएगा। अगर ये बट ऑल्सो भर्ब के पहले आया, किसके पहले? भर्ब के पहले आया, तो ये नॉट ओनली भी किसके पहले आएगा मेरे भाई? तो भर्ब के पहले आएगा। और ये बट ऑल्सो यदि ऑब्जेक्ट के पहले आया, किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले, तो यह नॉट ओनली भी ऑब्जेक्ट के पहले ही आएगा। यानी कि यह जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा तो हमेशा सेम पार्ट के पहले आएगा। एक आया सब्जेक्ट के पहले तो दूसरों भी आएगा सब्जेक्ट के पहले, एक आएगा भर्ब के पहले तो दूसरा भी भर्ब के पहले, एक आएगा ऑब्जेक्ट के पहले तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट के पहले, एक आएगा प्रीपोजिशन के पहले तो दूसरा भी प्रीपोजिशन के पहले, एक आएगा आर्टिकल के पहले तो दूसरा भी आर्टिकल के पहले। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है कि नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर फ्रेंड लव्ड मी। अब दोस्त देखिए, यहां पे सी जो है आपका सब्जेक्ट है, बट ऑल्सो हर फ्रेंड भी आपका क्या हो गया? ए भी आपका सब्जेक्ट हो गया, लव्ड आपका वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जरा देखिए, बताना यही चाह रहे थे, यहां पे नॉट ओनली किसके पहले आ गया? सब्जेक्ट के पहले। तो यहां भी देखिए मेरे दोस्त, बट ऑल्सो भी किसके पहले? सब्जेक्ट के ही पहले। जब भी आएगा तो दोनों सेम पार्ट के पहले। इसका हिंदी मीनिंग नॉट ओनली सी, ना केवल वह, बट ऑल्सो हर फ्रेंड, बल्कि उसका दोस्त भी लव्ड मी, मुझसे लव करती थी। केवल वही लव नहीं करती थी मुझसे, उसका दोस्त भी मुझसे लव करती थी। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखो, सी नॉट ओनली लाइक्ड बट ऑल्सो लव्ड मी। सी नॉट ओनली लाइक्ड बट ऑल्सो लव्ड मी। मेरे दोस्त देखो, ये सी यहां पे क्या हो गया? तो सब्जेक्ट हो गया, लाइक्ड आपका वर्ब हो गया, बट ऑल्सो के बाद फिर यहां पे लव्ड आपका वर्ब हो गया और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जरा सोचो, नॉट ओनली किसके पहले आया मेरे भाई? वर्ब के पहले। बट ऑल्सो भी किसके पहले आया? वर्ब के पहले। यानी कि जब भी आएगा तो दोनों हमेशा सेम पार्ट के पहले आएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा, सी नॉट ओनली लाइक्ड, वह केवल पसंद ही नहीं करती थी, बट ऑल्सो बल्कि लव्ड मी, बल्कि मुझसे लव भी करती थी। केवल वो लाइक ही नहीं बल्कि लव भी करती थी। क्लियर? तो चलिए, बहुत ही मजेदार आपका ये टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। माइंड में एक ही बात सेट रखना है कि जब भी आएगा तो दोनों सेम पार्ट के पहले आएगा। अगला वर्ड देखिए, सेंटेंस, सी लव्ड नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई फ्रेंड। धोखाधड़ी वाला मामला है, समझिएगा। सी आपका यहां पे सब्जेक्ट हो गया, लव्ड आपका वर्ब हो गया, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बट ऑल्सो माई फ्रेंड भी आपका ऑब्जेक्टिव केस।
अकॉर्डिंग टू ग्रामर पहले चलते हैं, बाद में मीनिंग देखेंगे। कि देखिए मेरे भाई, ये नॉट ओनली जो यहां पे ऑब्जेक्ट के पहले, और बट ऑल्सो भी किसके पहले, यहां भी ऑब्जेक्ट के ही पहले, यानी कि जब भी आएगा तो दोनों सेम पार्ट के पहले आएगा। क्लियर? अब सोचिए हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, तो सी लव्ड, वह लव करती थी नॉट ओनली मी, केवल मुझसे ही नहीं, बट ऑल्सो माई फ्रेंड, बल्कि मेरे दोस्त से भी। और उसको भी लगता था कि केवल हमरे है, और हमको भी लगता था हमरे है, लेकिन सच ये था कि वो केवल हमसे ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त से भी लव करती थी। क्लियर? अब आइए अगला एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। इतना बता दिए कि दोनों जब भी आएगा तो सेम पार्ट के पहले आएगा। क्वेश्चन है, नॉट ओनली ही चीटेड, नॉट ओनली ही चीटेड हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। यहां से मेरे दोस्त देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको तोड़ दो, जो दो ठो रहेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसी दोनों को पहले आ जाएगा। जो दो रहेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसी के पहले आएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, ये नॉट ओनली तो यहां पे आ गया, ही आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, चीटेड आपका हो गया वर्ब, हिज पेरेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो फिर यहां पे आया, ये किसके पहले लगा है तो हिज फ्रेंड्स के पहले। आसान है इसमें कॉमन एरर खोजना, बहुत ही आसान है। देखो कि दो ठो क्या दिख रहा है, अगर नॉट ओनली यहां पे सब्जेक्ट के पहले आ गया तो आगे अब इसके अलावा देखो एक और सब्जेक्ट दिखेगा, तब तो बट ऑल्सो लगेगा, लेकिन क्या इसके अलावा एक और सब्जेक्ट दिखा? नहीं दिखा ना। तो मेरे भाई अब नॉट ओनली के अनुसार उसको नहीं बदलेंगे, बट ऑल्सो के अनुसार इसको बदलिए। अब देखिए बट ऑल्सो किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले, बट ऑल्सो किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। तो अब देखिए तो दो ठो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हाँ मेरे भाई एक यहां पे देखिए, एक आपका यहां पे ऑब्जेक्ट नजर आया और दूसरा आपका यहां पे ऑब्जेक्ट नजर आया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों ऑब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, यानी कि बट ऑल्सो आया हिज फ्रेंड्स के पहले, तो नॉट ओनली यहां पर नहीं होगा, कहां पे होगा, इस ऑब्जेक्ट के पहले होगा, यानी कि चीटेड के बाद होगा, यानी कि नॉट ओनली का जगह चीटेड के बाद होगा। मीनिंग क्या आएगा, ही चीटेड, वह धोखा देता था, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, केवल अपने माता पिता को ही नहीं, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, बल्कि अपने दोस्त को भी। तो मेरे भाई बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, ये आपका नट वाली बट ऑल्सो रहा। और आप सब से मेरा एक प्यार भरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए। और दोस्त छोटा सा प्यार अपना जरूर कमेंट के रूप में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि अगला वीडियो मैं आपके कमेंट के वजह से जल्द भेजने के लिए रेडी हो जाऊं। थैंक यू भाई, लव यू सो मच, थैंक यू।